हेलो गाइस, मेरा नाम है रायन। आज की वीडियो में डाइनो थंडर रोबोट की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। इसको मैंने दो दिन पहले ही खरीदा था। इसके अंदर बड़े ही कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये डायनासोर दिख रहा होगा, इसको मैं पलटा के आपको दिखा देता हूँ। ये जो डायनासोर है कन्वर्ट होकर इस तरह का एक रोबोट भी बन जाता है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है डाइनो थंडर रोबोट। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। आज मैं डायनो थंडर रोबोट की फाइट कराने वाला हूँ आरएस पुलिस रोबोट के साथ। ये भी एक बहुत ही बिग साइज का रोबोट है, मैंने बहुत ही कम प्राइस में खरीदा था गाइस। आप भी अगर इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर तुम लोगों को एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसका नाम लिखा है शैडो ब्रोंटोसॉरस, बड़ा ही खतरनाक नाम है यार इसका। अच्छा, ये जो बॉक्स है इधर से नहीं खुलेगा यार, अपने को इधर से खोलना पड़ेगा। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। ओह माय गॉड, सच में यार इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। यहां से मैं इसको निकाल लेता हूं और ये बहुत ही ज्यादा भारी भरकम रोबोट भी है। ओ माय गॉड, क्या ही डेंजरस दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं इसके साथ और क्या क्या चीजें मिली है। यहां पर मिलता है इसका रिमोट कंट्रोलर, एकदम रोबोट फेस वाला रिमोट कंट्रोल इसके साथ दिया गया है इसके अंदर। और देखो यार, यहां पर दो चीजें अपने को मिलती है, ये इसके रॉकेट्स है, ये रॉकेट्स वगैरह भी फायर कर सकता है। और यहां पर देखो इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी मिल जाता है। ओके, जहां तक इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बहुत ही मजबूत प्लास्टिक यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। यहां पर सामने देखो यार, क्या ही नुकीले हाथ दिए गए भाई साहब। इसको हाथ बोलते हैं या फिर पैर बोलते हैं मेरे को पता नहीं है गाइस। नीचे की तरफ शायद यहां पर इसकी एलईडी लाइट्स वगैरह दी गई होगी। इसकी सबसे मेन फीचर मैं आपको बताता हूं, ये देखो यार, ये जो है इसका सर इस तरह से फटेगा और इसके अंदर से निकलेगा एक रोबोट। ये इसकी काफी ज्यादा गजब की चीज है, या फिर अपन इसको एक डायनासोर भी बनाकर चला सकते हैं। इसके रॉकेट जो है यहां पर इस तरह से फिट हो जाते हैं, ये देख रहे हो, शायद ये रॉकेट लॉन्चर है या फिर बूस्टर है, बूस्टर की तरह ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहां पर इसका डिजाइन देखो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अच्छा, तो इसकी बैटरी यहां पर है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर बैटरी कंपार्टमेंट है और ये पूरी तरीके से सील किया हुआ है। बैटरी को अपन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकते, यहीं से अपने को इस डायनासोर को चार्ज करना पड़ता है। यहां पर इसका ऑन ऑफ स्विच है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ठीक है। रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूं, रिमोट के अंदर देखो यार बहुत सारे बटन्स दे रखे हैं, इस तरफ भी बहुत सारे बटन्स हैं। यहां पर इसका ऑन ऑफ स्विच है, रिमोट की भी जो क्वालिटी है काफी ज्यादा बढ़िया दे रखी है। चलो अभी अपने आरएस पुलिस रोबोट को भी मैं अनबॉक्स करके बता देता हूं। ये रोबोट्स के जितने भी बॉक्सेस होते हैं ना यार, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये लोग सही तरीके से देते नहीं है कि अपन इसको कहां से ओपन करें। देखो यार कितने ज्यादा टेप मार रखे हैं इन लोगों ने इसके ऊपर, अभी भी बॉक्स खुल ही नहीं रहा है। ये देखो यार, बॉक्स इस बार खुल चुका है पूरी तरीके से। ओके, यहां से शायद इसको निकालना पड़ेगा। देखो यार निकाल लिया मैंने, पैकिंग काफी ज्यादा तगड़ी कर रखी है। ये निकाल लेते हैं यहां से अपने रोबोट को। ओ भाई देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है, एक छोटे बच्चे जितना बड़ा दिया गया है भाई साहब अपने रोबोट को। इसको यहां पे खड़ा कर देता हूं मैं। यहां पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। ओ भाई कितने ढेर सारे बटन्स दे रखे हैं इस रिमोट के अंदर। इस रोबोट के मेन फीचर्स मैं आपको बता दूं तो पहली चीज इसका साइज है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज साइज का रोबोट है। यहां पर देखो यार इसके अंदर भी रॉकेट्स वगैरह दिए गए हैं। इसका ये जो हैंड है बड़ा ही कमाल का होता है। यहां पर एक मोटर लगी हुई है और देखो यार इसके वायर्स वगैरह यहां पीछे तक कनेक्ट होकर आ जाते हैं। तो फटाफट से यार मैं दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करके आपको बता देता हूं। अगर इस डायनासोर को मैं रोबोट बनाऊंगा तो ये भी इसके साइज जितना ही बराबर हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो गाइस चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं यार दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं आज डायनो रोबोट जीतता है या फिर अपना आरएस पुलिस रोबोट जीतता है। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। गाइस सबसे पहले टेस्ट करेंगे डायनो थंडर रोबोट को। ये स्टेप बाय स्टेप भी चल सकता है और स्लाइड करके भी चल सकता है, काफी अच्छी मूवमेंट दी गई है इसके लेग्स के अंदर। चलो अभी इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं आपको बता देता हूं। ओ माय गॉड, क्या चीज बना दी है भाई इन लोगों ने। देखो यार डायनासोर का सर फटके निकल रहा है यहां से, एक रोबोट का सर। ओ भाई इतनी गजब की टेक्नोलॉजी मैंने आज तक कोई भी रोबोट के अंदर नहीं देखी है। अभी देखो यार ये स्लाइड कर रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है, काफी मस्त कंट्रोलिंग दी गई है भाई साहब। देखो यार वापस से इसको अपन डायनासोर के सर में लगा देते हैं। देखो किस तरह से इसका सर अंदर जा रहा है, अभी डायनासोर का सर यहाँ पर चिपकने वाला है। ओ भाई ऐसा लग रहा है कि दो टुकड़े वापस से जुड़ चुके हैं इसके सर के, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसके अंदर एक रोबोट भी छुपा हुआ हो सकता है। काफी ज्यादा ओपी चीज लगी गाइस मेरे को तो ये।
अभी टच करेंगे इसके बूस्टर रॉकेट्स को। ये बटन मैंने प्रेस कर दिया, देखते हैं कितनी दूर तक ये फायर कर सकता है। ये देखो यार, फायर तो इसने कर दिया यार, बड़ी जोरदार तरीके से फायर कर रहा है, पर डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। देख सकते हो इसके अंदर डेमो का भी फीचर मिल जाता है। बटन मैंने जैसे ही प्रेस किया, ये अलग अलग तरीके के डांस वगैरह कर सकता है। ओ माय गॉड, वापस से देखो यार, अपने सर के दो टुकड़े कर यहां पर भी डांस वगैरह करके बता सकता है। ये चीज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी गाइस इस डायनो रोबोट के अंदर। अभी इसका प्रोग्रामिंग फीचर भी एक बार चेक कर लेते हैं यार फटाफट से। अभी जो है इसको मैं थोड़ा सा बैक करूंगा दो बार, फिर फॉरवर्ड करूंगा, फिर लेफ्ट को टर्न कराऊंगा, फिर राइट को टर्न कराऊंगा। अभी देखो यार, प्रोग्राम का बटन मैं प्रेस कर देता हूं, रिमोट जो है इसके बाजू में ही रख देता हूं मैं। पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग मैंने इसको कर दिया है, ये अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो बैक दो बार जा चुका है, फॉरवर्ड जा चुका है, अभी राइट को टर्न कर चुका है, अभी ये लेफ्ट को भी टर्न करेगा। काफी ज्यादा कमाल की प्रोग्रामिंग दी गई है इस रोबोट के अंदर। ओके गाइस, अभी टेस्ट करते हैं आरएस बाहुबली रोबोट को। इसके आईज के अंदर बड़े ही मस्त एलईडी लाइट्स वगैरह दिए गए हैं। ये रोबोट देखो यार, स्लाइड कर सकता है पीछे की तरफ और आगे की तरफ, इससे इसकी स्पीड जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये स्टेप बाय स्टेप भी चल के बता सकता है। ये फीचर इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और अपने लेफ्ट हैंड को 90 डिग्री तक मूव करा सकता है, राइट हैंड को भी 90 डिग्री तक मूव करा सकता है। अभी इसका जो फायर फीचर है ये मैं टेस्ट करने वाला हूं, देखते हैं कितनी दूर तक फायर कर पाता है रॉकेट्स को। ज्यादा दूर नहीं फायर कर रहा है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो यार, इसके अंदर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। इसकी पावर बहुत ज्यादा है पर बहुत दूर तक ये फायर नहीं कर सकता है गाइस। अपने दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ करके डांस वगैरह करके बता सकता है। अभी डायनो थंडर रोबोट की मैं आपको रॉकेट पावर दिखाने वाला हूँ। सामने ढेर सारे ग्लासेस मैंने रख दिए, देखते हैं ग्लासेस को गिरा पाता है नहीं। अच्छा, तो ग्लासेस को तो गिरा रहा है, पर एक दिक्कत है, देखो यार ये बारी बारी से फायर नहीं करता, इकट्ठा दोनों रॉकेट्स को एक साथ फायर कर देता है। डिस्टेंस ज्यादा नहीं दिया गया है पर इसके अंदर पावर बहुत ही मस्त वाली दी गई है। इसके रॉकेट बूस्टर के अंदर एक दिक्कत भी है, देखो यार यहाँ पर मैं रॉकेट फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये फिट नहीं हो पा रही है। इसके लिए एक जुगाड़ होता है, पहले रॉकेट के फायर बटन को अपने को प्रेस करना पड़ता है, फिर देखो यार इसके जो रॉकेट्स हैं बड़ी आसानी से इसके अंदर फिट हो जाते हैं। अभी आरएस बाहुबली रोबोट की रॉकेट पावर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कितनी जोरदार तरीके से फायर कर सकता है। जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, मैं जब दो बार फायर कर रहा हूँ तो ये एक बार रॉकेट निकलकर बाहर की ओर आ रही है, और यहाँ पर बहुत ही बेकार इसके अंदर पावर दी गई है। जैसे कि देख सकते हो यार, मैं इतनी बार कोशिश करने के बाद यहाँ पर सिर्फ तीन ही ग्लासेस गिरा पाया हूँ। तो पावर के मामले में क्लियरली अपना डायनो थंडर रोबोट जीत चुका है, इसके रॉकेट्स बड़े ही पावरफुल है। चलो दोस्तों, अभी दोनों के बीच में आमने सामने वाली फाइट करा के देखते हैं। पहले एक दूसरे के ऊपर रॉकेट छोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दो बार फायर करने पर ये एक रॉकेट को फायर कर पाया। अभी इसको देखो यार, दोनों रॉकेट्स को ये इकट्ठा मारता है सामने वाले पर। अभी दोनों की आमने सामने वाली फाइट होने वाली है, दोनों एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, और अपना डायनो थंडर रोबोट ने आरएस बाहुबली रोबोट को धूल चटा दी है और इसने इसको नीचे गिरा के रख दिया है। अभी यहाँ पर दोनों के बीच में एक और राउंड कराने वाले, देख सकते हो एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। अभी यहाँ पे डायनो थंडर रोबोट को मैं कन्वर्ट करा रहा हूँ, रोबोट का सर बाहर निकल चुका है और अपना रोबोट काफी ज्यादा पावरफुल है यार। इससे छोटा है पर पावर देखो इसके अंदर कितनी ज्यादा है। आरएस बाहुबली रोबोट इसको हाथ से मारने की कोशिश भी कर रहा था पर इसने इसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। इतना ज्यादा पावरफुल रोबोट मैंने आज तक नहीं देखा है दोस्तों। दोनों के बीच में पुल टेस्ट करा के देखते हैं। यहाँ पे देखो यार, अपने डायनो थंडर रोबोट की पूंछ के पीछे मैंने बांध दिया है एक तगड़ी वाली कार, कार को ये काफी आसानी से घसीट के लेके जा रहा है। सेम टेस्ट करते हैं आरएस बाहुबली रोबोट के साथ भी, ये भी देखो यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोबोट है। दोनों के बीच में यहाँ पर टाई हो चुका है। तो माय डियर दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको आरएस बाहुबली रोबोट पसंद आया या फिर अपना एकदम तगड़ा वाला डायनो थंडर रोबोट पसंद आया। नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शॉर्ट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है मुकेश, फरहान, सोहेल, निमरा, वैभव, विहान, श्रीशांक, रिशान, अजय, ओम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।